अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। तो ये सुबह 6 बजे का टाइम है, मैं उठी और अपने बाल छल समेटे और मैं जा रही हूँ जी वॉक पे। आज ये वॉक का मेरा पहला दिन है, तो आज से मैंने स्टार्ट कर दी है। तो क्योंकि वेट मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और घुटनों का मसला हो रहा था पेन का, तो मैंने सोचा फिर मुझे वॉक वगैरह करनी चाहिए। और ये मैं लाई थी एक हैंगर, तो ये बहुत लाइट वेट में होता है। मेरे हस्बैंड की आदत है बस अपनी अलमारी में कपड़े, उनके दो दो तीन तीन सूट ऐसे, मतलब वो लटका के रखते हैं इस तरह से, तो जो कि बहुत बुरे लगते हैं। तो फिर मैं ये एक हैंगर लेकर आई थी, मैंने सोचा इसको मैं एक साइड पे लगा दूंगी अलमारी की, तो ये एक तरफ कपड़े हो जाएंगे तो फिर इतने बुरे नहीं लगेंगे। ऐसे सारा ड्रेसिंग रूम अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ये ओपन है मेरा ड्रेसिंग रूम, तो फिर अच्छा नहीं लगता था। तो मैं इसको एक साइड पे इस तरह से लगा दूंगी, और ये बहुत ही लाइट वेट होती है और आराम से चिपक जाती है। तो फिर मैं इसी के ऊपर बस एक ही साइड पे तो होंगे, एक मतलब तरफ, तो ऐसे पूरी ये अलमारी पूरा ये साइड गंदा नहीं लगेगा, नज़र ही नहीं आएंगे। तो मैं फिर यहाँ पे ही इसी पोर्शन में एक साइड पे जो था, तो मैंने कपड़े इसी के ऊपर वो कर दिए थे, हैंग कर दिए हैं। उसके बाद जी नाश्ता वगैरह किया था। नाश्ता करने के बाद, वो तो डेली का मैं आप लोगों के साथ शेयर करती ही रहती हूँ, तो फिर नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। आज मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ अपनी दोपहर की रूटीन शेयर करूँगी कि दोपहर को मैं क्या खाना बनाती हूँ और कैसे बनाती हूँ। दोपहर की और शाम की रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ऐसा है कि मैं खाना दोपहर में ही बना लेती हूँ, शाम के लिए भी सालन और दोपहर के लिए भी मैं एक ही साथ ही बना लेती हूँ। बस फिर मैं रोटियाँ ताज़ा ही बनाती हूँ और आटा भी मैं ताज़ा ही गूँधती हूँ, शाम का भी और दोपहर का भी। और आज मेरा इरादा था कि चिकन टिक्का बनाया जाए, तो फिर मैंने उसके लिए चिकन लिया था 1 किलो हड्डी समेत, और मैंने उसको धो लिया था बहुत अच्छे से, और उसकी जो बड़ी बोटियाँ थी उस पर भी मैंने कट लगा दिए थे। और स्पाइसेस में मैंने लिया है गरम मसाला 1 स्पून लिया है, हल्दी पाउडर लिया है मैंने यहाँ पे, और लाल मिर्च का पाउडर लिया है मैंने। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ये सारे स्पाइसेस ले सकते हैं। और ये सूखा धनिया है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, नमक लिया है मैंने, और ये काली मिर्चों का पाउडर है, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है जी, और ये सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है, ठीक है, और गरम मसाला है, और ये है जी कॉर्नफ्लोर, और ये है मैदा, ये दो दो चम्मच मैंने लिए हैं, और ये है लेमन का जूस, 3 लेमन का जूस मैंने निकाल दिया था, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और सारे स्पाइसेस को मैं कर दूँगी इसमें मिक्स। इसको हाथ से बहुत अच्छा सा मिक्स करना है, और फिर उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है रेस्ट के लिए, ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और मैंने इसमें बेकिंग पाउडर भी डाला था, मीठा सोडा भी डाला था थोड़ा सा, तो वो भी आपने ऐड करना है। उसके बाद जी मैं यहाँ पे बना रही थी सब्ज़ी, जो कि मेरी हेल्पर भी मेरे साथ सब्ज़ी बना रही थी। सब्ज़ी में मैं आज बना रही थी कचनाल, जो भी मैं चिकन गोश्त जो भी बनाती हूँ साथ में एक सब्ज़ी लाजमी बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड को कहते हैं कि सब्ज़ी लाजमी बनाया करो, तो यहाँ पे आज हम अरबी बना रहे थे। अरबी को छील लेंगे और काट लेंगे। अच्छा, इसको नमक के साथ मैं धोती हूँ, तो आप लोग भी ऐसे धो लिया करें। कुछ लोग इसको ऐसे भी धो लेते हैं, मतलब बगैर नमक के, तो मैंने इनको एक डिश में रख दिया और उसके ऊपर डाल दिया नमक, और अच्छे से मैं बहुत अच्छे से इसको मसलूँगी। और मैंने थोड़े मोटे वाली अरबियाँ काटी हैं, क्योंकि आज मैं इनको शोरबे वाली अरबी बनाने वाली थी, तो मैं इसको धो लूँगी। और आप लोगों के साथ एक टिप भी है कि अगर अरबी धोने के बाद आप लोगों के हाथों पर ख़ारिश होती है, तो अरबी धोने के बाद आपने ऐसा करना है कि अपने हाथों को खुश कर लेना है और ले लेना है जी नमक,
और नमक से अपने हाथों पे एक दो मिनट तक मसाज करना है और उसके बाद वॉश कर लेना है, तो इससे आपके हाथों पे बिल्कुल भी ख़ारिश नहीं होगी। तो ये एक टिप है, आप लोग इसको ज़रूर आजमाइएगा। यहाँ पे इसको धो के मैंने कुछ देर के लिए बाहर धूप में रख दिया था और इसके मसाले भी कट कर दिए थे, तो अब मैं इसको पका लूँगी बेसिक तरीके से। हमेशा की तरह सब्ज़ मिर्चें और प्याज को मैंने एक साथ फ्राई कर लिया था। जब हल्के से वो फ्राई हुए तो उसमें मैंने डाल दी अरबियाँ, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। मैं टमाटर बाद में ऐड करती हूँ और बाकी मसाले भी मैं बाद में ही ऐड करती हूँ। तो जब इस तरह से थोड़ा सा इनका पानी ड्राई हो जाता है तो बाद में मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर और हल्का सा एक दो मिनट के लिए इसको मिक्स करके, तो फिर मैं इसमें ड्राई स्पाइसेस डाल देती हूँ। और ड्राई स्पाइसेस में हल्दी पाउडर डाल दिया और जी नमक और जो बेसिक मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, खुश्क धनिया और हल्दी, बस यही डाला जाता है। कोई इसमें मैं गरम मसाला या ज़ीरा पाउडर वगैरह मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करती हूँ, उससे इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो नमक आपने इसमें थोड़ा सा कम रखना है क्योंकि हमने इसको नमक के साथ धोया था, तो आपने नमक यहाँ पर थोड़ा सा कम रखना है। इसको आपने इतना भूनना है कि इसका घी सेपरेट हो जाए, इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। फिर बाद में आपने अगर इसमें पानी डालना है, शोरबा बनाना है तो आप पानी डाल दें। अगर आपने ऐसे सूखी अरवी बनानी है तो आप इसको हल्की आंच पे इसकी लिड लगा के आप इसको रख दें, तो हल्की आंच पे ये आराम से कुक हो जाएगी। कोई पानी डालने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं आज शोरबे वाली अरबी बनाने वाली हूँ और मुझे ये अरबी का सालन स्पून के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है, इसके ऊपर लेमन निचोड़ के तो स्पून के साथ खाएँ तो बहुत टेस्टी लगता है, और इसको पराठे के साथ तो और ही मज़ा आता है। ये सालन मेरा तैयार हो चुका था, इसमें मैं डाल दूंगी धनिया पत्ती और इसको मैं करूंगी मिक्स, और अब इसका मैं चूल्हा कर दूंगी बंद। इतनी मज़ेदार इस तरह से अरबी बनती है, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। मुझे सूखी अरबी से ये ज़्यादा शोरबे वाली ज़्यादा मज़े की लगती है। तो इसके साथ मैं जो चटनी बनाती हूँ तो उसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 5 ली हैं सब्ज़ मिर्चें और 2 मैंने लिए हैं जी लहसुन के ये जवे, और ये लिया है जी मैंने सब्ज़ धनिया की पत्ती ली हूँ मैं, तो मैं इसकी बना दूंगी चटनी। आप इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, ज़ाती तौर पे मुझे पुदीना ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसलिए मैं ज़्यादा ऐड नहीं करती हूँ। तो इसमें मैं लहसुन डाली हूँ और ये इस तरह से चटनी बहुत मज़े की बनती है और इसके साथ अरबी के साथ बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। तो मैं ऐसे सिंपल तरीके से सादा तरीके से चटनी को पीसती हूँ, तो यहाँ पर मैं चटनी भी बना लूँगी।
और जी मैं बना लूँगी पराठा और मैं करूँगी नाश्ता, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था तो सोचा कि मैं नाश्ता करूँगी। बस लाइट सा हल्का फुल्का सा मैं यहाँ पे पराठे के साथ आज नाश्ता करूँगी। तो अरबी का सालन, पराठा और चटनी, वाह क्या बात है, बहुत मज़ा आ गया था मुझे नाश्ता करने का। आप लोग भी इसको पराठे के साथ ट्राई कीजिएगा, और आप लोगों को मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लगती हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और जो उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ आ गई थी, आज मुझे मेरी फ्रेंड्स के साथ जाना था कहीं पे, हमारी मतलब इकट्ठे ही कहीं पे दावत थी, तो हमने जहाँ पे इकट्ठे होना था सब ने, तो अभी हम वहीं पर हैं, तमाम मेरी फ्रेंड्स हैं और मैं हूँ, तो हम लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे और बाकी अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हम कोई 10-15 लोग ही थे जो हमें किसी के घर पे जाना था और दावत थी, तो यहाँ पे हम बैठे इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पे सोचा कि थोड़े से दही बल्ले भी खा लेते हैं और उनका इंतज़ार भी कर लेते हैं, क्योंकि मेरे मोस्ट फेवरेट हैं ये मोहम्मदिया के दही बल्ले। तो वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे और दही बल्ले का इंतज़ार कर रहे थे। फिर यहाँ पे हम लोग सब एक साथ जाएंगे अपनी दूसरी फ्रेंड्स के साथ जिनका घर है डीजी खान, तो हमने वहाँ पे जाना था। जैसे कि मैंने अपनी पहले भी बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि मोहम्मदी के दही बल्ले और गोलगप्पे, आइसक्रीम, और यहाँ पे चना चाट, फ्रूट चाट, और मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और हर चीज़ तकरीबन तमाम ही सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, और इनकी मतलब सफाई का भी खास ख्याल रखा जाता है। तो अगर आपने जामपुर में कहीं पे दही बल्ले या गोलगप्पे वगैरह ट्राई करने हो या खाना वगैरह, तो ये आप इधर जा सकते हैं मोहम्मदिया दही बल्ले पे। यहाँ पे तमाम चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात कि सफाई का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। तो हम लोग भी यहाँ पे बैठे हुए थे, और फिर अभी बस हम जाएंगे इंशाल्लाह डीजी खान, तो अपनी एक दोस्त के घर। और जो उसके बाद मैं फिर घर आई थी शाम को, मुझे थोड़ा लेट हो गया था, और ये मेरी शाम की रूटीन है, जब मुझे देर हो जाती है तो फिर मैं इसी अपने चॉपर में आटा गूंद लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आटा गूंदूँगी और साथ में खाने का भी मैं रख दूँगी, मतलब वो जो मैंने टिक्का बोटी को मसाला लगाया था तो वो मैं फ़्राई करने के लिए रखूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और वो खाना मांग रहे थे, क्योंकि मुझे आते आते बहुत लेट हो गया था, तकरीबन 10 बज गए थे। और जी यहाँ पे मैंने जो तिक्का बोटी का मतलब मैरिनेट करके रखा था, तो उसको मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया है, और इधर से आटा भी गूंद लिया था, और साथ में मैं उनके लिए चटनी भी बना लूँगी, क्योंकि मेरे घर में चटनी बहुत ज़्यादा खाई जाती है, रायता, चटनी और सलाद, इस तरह की चीज़ें हर खाने में होती हैं। शाम को खैर हम लोग सलाद बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो क्योंकि दूध वगैरह पिया जाता है, तो शाम को फिर मैं रायता बना लेती हूँ या फिर चटनी बना लेती हूँ, और रायते में भी मैं कोई प्याज और खीरे वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बस उसमें सिंपल कोई सा भी फ्रूट होता है तो वो ऐड कर देती हूँ, स्पेशली बनाना और एप्पल। अगर वो नहीं होता है तो मैं खाली दही का रायता बना लेती हूँ, उसमें काली मिर्चें और थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ, और सब्ज़ धनिया पत्ती और पुदीना पत्ती ऐड करती हूँ। खैर आज तो मैंने चटनी बनाई थी, और यहाँ पे मैं मैंगो भी काट के फ्रिज में रख दूँगी, फ्रीज़र में, ताकि ये भी ठंडा हो जाए, क्योंकि मुझे आते आते बहुत लेट हो गया था, और हस्बैंड मेरे कह रहे थे कि बस जल्दी से मुझे खाना दें।
और यहाँ पे मैंने आटा भी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा इस चॉपर में आटा गूंदा जाता है, और रोटी बहुत मज़े की बनती है और बहुत नरम रोटी बनती है। बस जल्दी जल्दी से मैं खाना दे दूँगी अपने हस्बैंड को, और ये है मेरी ये शाम की रूटीन। यहाँ पर मैंने चटनी भी बना ली थी, और ये भी फ्राई हो चुका था टिक्का बोटी, और इसको मैंने लेमन भी साथ दिया है, और दूध भी गर्म कर लिया था, तो बाकी दूध तो मैंने फ्रिज में डाल के रख दिया था हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए, और ये जो बाकी बचा हुआ दूध है इसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी, और अपने लिए थोड़ी सी चाय भी बनाऊँगी। और साथ में यहाँ पर मेरी हेल्पर शाम के जो बर्तन थे वो भी धो रही थी, और इसको धोने की एक ट्रिप है कि इसके अंदर मसाले चाहे पीसें चाहे आटा गूंदें या फिर कीमा वगैरह बनाते हैं, तो इसका जो ये जो होल है ना, तो इसके अंदर जो भी हमारे स्पाइसेस वगैरह इस तरह इसके अंदर जमा हो जाते हैं, तो फिर आप उसको अगर इसका ब्रश नहीं है आपके पास, मतलब वो नहीं होता है इसके साथ ब्रश वैसे भी, तो आप इस तरह का पुरानी ब्रश को रख लें और उसके साथ आप इसके होल की अच्छे से सफाई किया करें, तो इस तरह फिर ये मशीन सही रहती है और इसके अंदर कोई मतलब कचरा वगैरह जमा नहीं होता है और सही से ये काम करती है। तो यहाँ पे शाम की सारी हम किचन की सफाई कर लेंगे और बर्तन भी धो लेंगे, खाना खा लिया था हम लोगों ने। मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ, हालांकि मेरा मैदा भी डिस्टर्ब रहता है और काफ़ी मेडिसिन खाने की वजह से भी मेरा मैदा डिस्टर्ब रहता है। सब मुझे कहते हैं कि चलें वो तो मजबूरी है मेडिसिन खाना, लेकिन चाय तो थोड़ी कम कर दें, लेकिन चाय मुझसे कम नहीं होती है। मैं रात को सोने से पहले लाजमी एक बड़ा सा मग या कप चाय का पीती हूँ। खैर पहले तो बड़ा मग पीती थी, अब मैंने कप शुरू कर दिया है जब से मेरे हस्बैंड और सब ने मुझे रोकना शुरू किया है। और यहाँ पे ये जो मसाला जार होते हैं, चाय पत्ती का डब्बा होता है, इसको भी मैं शाम में लाजमी अपने सारे जब शाम को काम ख़त्म करके किचन की सफाई कर रहे होते हैं तो इनको मैं लाजमी साफ़ करती हूँ। इस तरह ये साफ़ रहते हैं और अगले दिन जितना हमारा किचन साफ़ होता है हमें खाना बनाने में और नाश्ता बनाने में, उतना ही हमारी दिलचस्पी बढ़ती है, हमें अच्छा लगता है। अगर किचन साफ़ नहीं होती है, ये मसाला जार साफ़ नहीं होते हैं, तो बस फिर हम अच्छे मूड से खाना नहीं बनाते हैं। तो मेरी यही रूटीन है कि मैं तमाम ये चीज़ें अब साफ़ करके रखती हूँ। पहले थोड़ा सा काम ज़्यादा होता था, बच्चे घर पे होते थे तो मैं नहीं कर पाती थी, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रात को सोने से पहले किचन पूरी साफ़ करके सोती हूँ, और बर्तन वगैरह सब मैं और मेरी हेल्पर मिल के हम कर लेते हैं काम, तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अपनी हेल्पर के साथ मिल के चूल्हे की और इस तरह अच्छे से सफाई करवा रही थी, चाय मैंने बना ली थी, चाय थोड़ी मेरी ठंडी हो रही थी, तब तक मैंने सोचा कि मैं किचन की सफाई खुद ही साथ ठहर के करवा के जाऊं, तो इस तरह मुझे तसल्ली रहती है और अच्छा फील होता है कि मेरा जो जहन है वो मुतमैन होता है कि भी किचन साफ़ है। अब बस अगर किचन साफ़ नहीं होती है, वो अपनी मर्ज़ी से कर रही होती है मेरी हेल्पर, तो फिर मेरा बस जहन इधर ही लगा रहता है और सही से मैं मुतमैन नहीं हो पाती हूँ। इसलिए मैं साथ ठहर के 15-20 मिनट ठहर के काम करवा लेती हूँ, तो इससे मैं मुतमैन रहती हूँ। और इस ये चूल्हे को साफ़ कर रही थी और मैं भी थोड़ा सा जो बर्तन थे लगाने वाले जो सूख गए थे, मैं बर्तन अपनी अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, और बस यही हम किचन की शाम की सफाई कर रहे थे। ये हमारी है जी शाम की रूटीन, डिनर की रूटीन थी, और किचन की सफाई जो शाम को हम करके सोते हैं, तो वो वाली आज मेरी रूटीन थी। आप लोगों के साथ मैंने दो रेसिपी बहुत ही मतलब डिटेल के साथ शेयर की हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप मुझे लाइक भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और मुझे कॉमेंट भी कर दीजिएगा थोड़ी सी भी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो। बस यहाँ पे किचन सारी बहुत अच्छे और उम्दा तरीके से हम साफ़ कर लेंगे, ताकि एक नई सुबह जब हम उठें और ज़हनी तौर पे भी मुतमैन हों, और जब मैं सुबह नाश्ते के लिए नाश्ता बनाने के लिए आऊँ तो मेरी किचन बिल्कुल साफ़ हो।
बस सुबह में ये होता है कि नाश्ते में मैं अपने लिए गर्म कप पानी का लेती हूँ, उसके बाद मैं चाय लेती हूँ और चाय के बाद फिर मैं अपना कुरान पाक पढ़ती हूँ और उसके बाद जी मैं सो जाती हूँ। फिर हम उठते हैं 11:30 बजे। और ये मेरी चाय है, मैं कमरे में आ गई हूँ, आप पानी भी ले आई हूँ, अपनी चाय भी और मेडिसिन भी। और मैं सारे जब काम ख़त्म कर लेती हूँ तो मैं अपने हाथों और फेस पे मॉइस्चराइज़र क्रीम लाजमी लगाती हूँ, और ये मैं अपनी नाइट क्रीम लगाती हूँ। जो भी आप लगाते हैं तो आपको नाइट क्रीम लाजमी लगानी चाहिए, लेकिन मेडिकेटेड, कोई और नहीं। तो इस पे मेरी मेडिसिन है जो कि मैंने 6-7 गोलियाँ खानी। ओके, अल्लाह हाफिज़।